मटन करी और मुर्ग का दम का मुर्ग। मटन करी फिट करना तो इम्पॉसिबल है। बारहवीं नेशन जाके शेफ के हाथ, मन कर रहा है थोड़ा सा और खाने का। मेरे लास्ट वीडियो में जो सॉन्ग था उसका नाम है सुख करता दुख हरता, एंड आई एब्सोल्युटली लव दैट सॉन्ग। एनी वे, बारबेक्यू नेशन नॉनवेज ओवरलोडेड बॉक्स ये मेन्यू में नया ऐड हुआ है, एंड बारबेक्यू नेशन नॉनवेज ग्रिल्स इन अ बॉक्स ये शायद से पुराना है, बट इन दोनों ही बॉक्सेस के लिए बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास इंडिविजुअली कि इसे ट्राई करो या फिर इसे ट्राई करो, और मैंने सोचा कि इन दोनों पे ही अलग अलग वीडियो बनाने से अच्छा है कि इन दोनों को ही एक ही वीडियो में ऑर्डर कर लिया जाए। बट ये सभी आइटम्स को फिनिश करना इस वीडियो का मोटिव बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा है ताकि आप लोगों को एक बेटर आइडिया हो जाए कि आपको कितने प्राइस में कितनी क्वांटिटी मिलने वाली है इन दोनों ही आइटम्स की, और क्वालिटी वाइज क्या ये सही में वर्थ इट है घर में ऑर्डर करने के या फिर नहीं। लेट्स क्विकली फाइंड दिस आउट। सो ये है हमारा नॉनवेज ओवरलोडेड बॉक्स और ये है ग्रिल्स इन अ बॉक्स। आप इन दोनों की ही साइज में डिफरेंस देख सकते हो, और वेट की बात की जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा भारी है। एनीवे, इनको फटाफट से करते हैं ओपन। सो नॉनवेज ग्रिल इन अ बॉक्स आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। दो माउथ फ्रेशनर आफ्टर मिंट। देखो पैकेजिंग वाइज दिल खुश हो गया। योर लाउडेस्ट बर्प इज अवर ग्रेटेस्ट अप्रिसिएशन। नाइस। अब नॉनवेज ओवरलोडेड बॉक्स को खोलते ही आपको कुछ ऐसी पैकेजिंग दिखने वाली है गजब की, और नीचे आपको कुछ ऐसा दिखने वाला है नज़ारा, बहुत ही बढ़िया। अब ये सभी आइटम्स मुझे मिल रखे हैं नॉनवेज ओवरलोडेड बॉक्स में, और इस साइड सभी आइटम्स मुझे मिल रखे हैं नॉनवेज ग्रिल्स इन अ बॉक्स में। बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा कि जो वेजिटेरियन आइटम्स हैं वो ग्रीन कलर के बॉक्स में दे रखे हैं, और बाकी नॉनवेज आइटम्स रेड कलर के बॉक्स में। इन सभी आइटम्स को इस चॉपिंग बोर्ड में फिट करना तो इम्पॉसिबल है। सो अभी मैंने स्टार्टिंग में सभी स्टार्टर्स निकाल रखे हैं, तो जैसे हम बारबेक्यू नेशन में खाते हैं कि पहले स्टार्टर्स खाते हैं उसके बाद मेन कोर्स में आते हैं, आज भी हम ऐसे ही करने वाले हैं। सो बारबेक्यू ग्रिल ना बॉक्स में मेरे पास है तंदूरी तंगड़ी 2 पीस, अदरक की फिश टिक्का 9 पीस, सिलेंट्रो एंड गार्लिक चीजी प्रॉन्स अगेन 9 पीस, वेजी फिंगर्स 6 पीस, और डेजर्ट में है मेरे पास अंगूरी गुलाब जामुन 8 पीस, और डिप्स और सैलेड। नॉनवेज ओवरलोडेड बॉक्स में मिलते हैं हमें 5 अलग अलग तरह के स्टार्टर्स, जिसमें है तंदूरी तंगड़ी 2 पीस, पेरी पेरी चिकन टिक्का 6 पीस, अदरक की फिश टिक्का 6 पीस, सिलेंट्रो एंड गार्लिक चीजी प्रॉन्स अगेन 6 पीस, एंड फिश फ्राई 6 पीस। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं ये ब्यूटीफुली प्रेजेंटेड सैलेड। ये ऐसे 2 बॉक्स मिले हैं मुझे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, फटाफट से करते हैं अपनी परंपरा से स्टार्ट। स्टार्ट करने वाला हूँ मैं ग्रिल्स इन अ बॉक्स से। यह है इनका अदरक की फिश टिक्का। थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस फूड एंड फॉर एवरीथिंग एल्स। लेट्स डाइव इनटू दिस। देखो कितना जूसी है। इसे मत देखो, ये बाकी जितने भी आइटम्स हैं ये आपको ग्रिल्स इन अ बॉक्स में मिल जाते हैं 700 रुपीज में, और अब बारबेक्यू नेशन खुद भी डिलीवर करता है तो आप डायरेक्टली बारबेक्यू नेशन की साइट से भी ऑर्डर कर सकते हो ये सभी चीजें। और सबसे पहले मैंने बारबेक्यू नेशन विजिट किया था अपने बड़े भाई के साथ, आई बटन पे मैं वो वीडियो डाल दूंगा, आप देख सकते हो उसे। सिलेंट्रो एंड गार्लिक चीजी प्रॉन्स, लास्ट टाइम जो मैंने मील बॉक्स मंगाया था उसमें मेरी मेन कंप्लेन यही थी कि काफी चीजें अंडर कुक्ड थी। इस बार ऐसा कुछ नहीं है।
वो वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था पैंडमिक के टाइम पे, तो आई बिलीव कि उस टाइम जो इनके मेन शेफ रहे होंगे या थोड़ा सा स्टाफ इधर उधर चेंज हुआ ही होगा, तभी तब में और अब में इतना ज़्यादा डिफरेंस है। तंदूरी तंगड़ी, वेज फिंगर टेस्ट कर लेते हैं। अगर आप में से कुछ लोगों ने ग्रिल सिनेबॉक्स पहले खा रखा है तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि 50% से ज्यादा लोगों को ये वेज कबाब है, ये क्या है, ये वेज फिंगर्स पसंद आएंगे। एक अलग ही टेस्ट आ रहा है इनमें, बहुत ही गजब। अब आते हैं अपना नॉनवेज ओवरलोडेड बॉक्स में, जिसमें तंदूरी तंगड़ी सेम है, अपना प्रॉन्स सेम है और ये अदरक की फिश टिक्का सेम है। बाकी दो आइटम्स टेस्ट करते हैं, एक है फिश फ्राई और एक है पेरी पेरी चिकन टिक्का। फिश फ्राई, हर एक आइटम परफेक्टली कुक्ड है, ये देखो कितने आराम से टूट रहा है। पेरी पेरी चिकन टिक्का, सिंपल सा कंक्लूजन है, अगर आपको सी फूड पसंद है तो आपको ये अदरक की फिश टिक्का, प्रॉन्स और ये इनका क्या है, ये इनका फिश फ्राई, ये तीनों ही आइटम्स आपको बहुत ही ज्यादा गजब लगने वाले हैं। और अगर आपको चिकन पसंद है तो ये चिकन का आइटम आपको गजब लगने वाला है। और अगर आपको दोनों ही पसंद है तो आपको ये सभी आइटम्स बहुत ही ज्यादा गजब लगने वाले हैं। इस चिकन ड्रम का साइज देखो, मैंने इतना बड़ा लेग पीस कभी नहीं देखा। चिकन ड्रम्स हम मैसिव इन साइज, पेरी पेरी चिकन टिक्का और ये अदरक की फिश टिक्का को एक साथ खा के देखते हैं। आई डोंट नो कि आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बट जिस परफेक्शन के साथ ये फिश कुक कर रखे हैं ना, मजा आ गया। देखो हो सकता है कि सब कुछ नॉनवेज आइटम्स हैं और बीच में मैं अगर एक वेज आइटम टेस्ट कर रहा हूँ तो मेरा टेस्ट भी चेंज हो जा रहा है और मुझे अच्छा भी लग रहा है, हो सकता है, बट ये भी हो सकता है कि ये इन सबसे बेटर है। थोड़ा सा
इसको भी निपटा दें। प्रॉन के टेल्स आई थिंक स्टार्टर्स इतने बहुत हैं, अब मेन कोर्स आइटम भी टेस्ट कर लेते हैं या फिर चलो थोड़े से और स्टार्टर्स खा लेते हैं पहले। वेज फिंगर्स मुझे बेस्ट लगे, उसके बाद ये अदरक की फिश टिक्का मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, उसके बाद प्रॉन्स, उसके बाद फिश फ्राई, उसके बाद ये पेरी पेरी चिकन टिक्का और एंड में ये लेग पीस। ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा जूसी है नो डाउट, बट स्टिल ये ना थोड़ा सा सूखा लग रहा है। बारबेक्यू नेशन वाले अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो आप अपने रेस्टोरेंट में एक गार्लिक मेयो सर्व करते हो, ये तंदूरी तंगड़ी उसके साथ बहुत ही ज़्यादा गजब लगेगी। टेस्ट चेंज, वेज फिंगर्स ने दिल जीत लिया, टमाटर में नहीं खाता। स्टार्टर्स में बस इतने आइटम्स बचे हैं और मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतना खा लूंगा, बट टेस्ट टेस्ट के चक्कर में मैं खा गया। ऐसा लग रहा है कि मैंने एक पूरा मकबैंग फिनिश करा है अभी और मैं बस रैप अप कर रहा हूँ, बट अभी तो मेन चीजें बाकी हैं। ग्रिल्स इन द बॉक्स था 700 रुपीज़ का और उसके अब सिर्फ ये अंगूरी गुलाब जामुन बचे हैं, और दूसरा नॉनवेज ओवरलोडेड बॉक्स है 1100 का, हाँ 1100 का। अब ये आइटम जितने भी आप देख रहे हो ये उस एक्स्ट्रा 400 रुपीज़ में आपको मिलने वाले हैं, स्टार्टर्स भी थोड़े से ज़्यादा थे। तो मेन कोर्स में है मेरे पास सबसे पहले चिकन दम बिरयानी, एग करी, मटन करी, दम का मुर्ग और पीछे की साइड है मेरे पास 4 लच्छे पराठे और 1 रायता जो मोस्ट प्रोबेबली इस बिरयानी के साथ के लिए होगा। फटाफट से करते हैं ट्राई, बट उससे पहले अपना रीति रिवाज स्टार्ट कर लेते हैं। सो शाउट आउट टू HROP, फर्स्ट कमेंट इनका है मेरे लास्ट वीडियो में, ब्रो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गो आउट फॉर ब्रिंगिंग फूड डू दिस चैलेंज, लेटिंग द पर्सन इन फ्रंट ऑफ मी डिसाइड व्हाट आई ईट। आइडिया अच्छा है बट मैं जोमेटो से ऑर्डर करता हूँ, मैं बाहर नहीं जाता हूँ, बट हाँ ये आइडिया बहुत अच्छा है, मैं डेफिनेटली ट्राई जरूर करूँगा इसे। लच्छा पराठा विद दम का मुर्ग, ऊपर मुझे इसमें कैरामलाइज्ड अनियन दिख रहे हैं और कसूरी मेथी दिख रही है, आई गेस हो सकता है वही है। Now this is the star of the day, mutton curry, बहुत ही ज़्यादा vibrant, इस main course के सामने स्टार्टर्स कुछ भी नहीं लगेंगे आपको, मेन कोर्स के आइटम्स ये अलग लेवल पे बना रखे हैं यार। अगर आप बारबेक्यू नेशन विजिट नहीं करना चाहते हो तो ये नॉनवेज ओवरलोडेड बॉक्स एक बेस्ट ऑप्शन है, ट्रस्ट मी आप रिग्रेट नहीं करोगे। ये देखो मटन का कलर देखो और ये दम का मुर्ग देखो, ओह एग करी देखते हैं कैसी हो रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं, बारबेक्यू नेशन जाके शेफ के हाथ चूम लूं क्या। नित्यम शर्मा ने क्वेश्चन कर रखा है हु इज योर फेवरेट क्रिकेटर, MS धोनी विदाउट एनी डाउट।
जो लच्छे पराठे हैं ये ठंडे हो चुके हैं ऑल्दो, बट स्टिल ये च्यूएबल हैं। और जो क्वांटिटी मिली है इस मील बॉक्स में, और जो आपको टेस्ट मिल रहा है, बहुत ही ज्यादा गजब। आकांक्षा बिश ने क्वेश्चन कर रखा है, सर आप कैप्शंस क्यों नहीं डालते? मेरे कुछ आप लास्ट वीडियोस देखना, मैंने कैप्शन डालना स्टार्ट कर दिया है। तो सबटाइटल्स बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इस काम के लिए मैंने किसी और को अपॉइंट किया है। और मेरे वीडियो जिस दिन अपलोड होते हैं उससे एक या दो दिन उन्हें लगते हैं सबटाइटल फाइल बनाने में, और उसके नेक्स्ट डे मैं अपलोड कर देता हूँ। तो मेरे लास्ट चार या पाँच वीडियोस आप कोई सा भी खोलोगे तो उन सब में आपको सबटाइटल मिलेंगे। बहुत से लोग मुझे बोलते थे कि सबटाइटल डालो सबटाइटल डालो, तो डाल दिया। इन तीनों ही चीजों के कलर देखो ना, अब आप में से बहुत लोग बोलोगे कि सबटाइटल्स वीडियो के साथ ही अगर आ जाएं तो बेटर रहेगा, तो उसके लिए थोड़ा प्री शूट मेरे को करना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे एक वीडियो अपना मिस करना पड़ेगा, और अभी मैं वो नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि 11th और 12th अक्टूबर को मैं चंडीगढ़ आ रहा हूँ, तो उस बीच भी मेरा एक वीडियो मोस्ट प्रोबेबली मिस होगा ही होगा, इसलिए मैं नहीं चाह रहा हूँ कि अभी मेरा कोई भी एक वीडियो मिस हो। तो आकांक्षा बिस्ट आपने बहुत सही टाइम पे बहुत सही क्वेश्चन पूछा। एक एक दाना कैसे अलग अलग हो रखा है देख रहा। इसमें तीन चार पीसेस हैं और उसमें से एक लेग पीस भी है, बट लेग पीस से मेरा मन भर चुका है तो मैंने थोड़ी सी बिरयानी निकाल दी है, बाकी अभी इसमें बहुत ज़्यादा आधा से ज़्यादा बची है। थोड़े से रायते के साथ चिकन दम बिरयानी, ये दम का मुर्ग, मटन करी और ये एग करी, ये इतनी ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो रही हैं कि इन्होंने बाकी सब चीज़ों के टेस्ट को ओवरपावर कर लिया बहुत अच्छी तरह से। तो बिरयानी ठीक है, ओके है, बट इन तीनों चीज़ों का कोई जवाब नहीं, कोई मुकाबला नहीं। इसका कलर देखो, मज़ा आ गया, मन कर रहा थोड़ा सा और खाने का, बट वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लच्छे पराठे का एक पीस बचा है जिसको मैं बाद में इंजॉय करूँगा इन तीनों ही चीज़ों के साथ, और अभी हम फटाफट से स्वीडिश टेस्ट करते हैं कि स्वीडिश कैसी हो रही है इनकी। और एक दो क्वेश्चन थे विच आई एम अफ्रेड कि आज के वीडियो में नहीं हो पाएंगे कवर, बट मैं पूरी कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले मैं उन्हीं क्वेश्चन को लूँ। बारबेक्यू नेशन, आप लोगों ने दिल खुश कर दिया आज। इतना खाने के बाद भी मैं स्वीडिश में रुक नहीं रहा हूं, तो आप समझ सकते हो ये कितना ज्यादा टेस्टी है।
हाँ, अगर इसका आपको अनकट वीडियो चाहिए ये देखने के लिए कि एग्जैक्टली कितने टाइम में मैंने ये सब चीज़ें खाई हैं, तो बता देना, मैं डाल दूंगा अपने अनकट वीडियोस वाली प्लेलिस्ट में। बैटरी देखो, इसकी शक्ल देखो, फटाफट से समअप करता हूँ। मेन कोर्स बेस्ट हुए, उसके बाद डेजर्ट और एंड में स्टार्टर्स। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि स्टार्टर्स अच्छे नहीं थे, बहुत ज़्यादा गजब थे, बट मेन कोर्स ने जो बार सेट किया है उसके हिसाब से स्टार्टर्स कुछ भी नहीं हो रहे हैं। अब इससे पहले कि बैटरी खत्म हो जाए, गेस दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप यू गाइज एंजॉय टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड I'll catch you guys on to the next one. Peace.